नमस्कार दोस्तों, मीडिया नई सुबह देख रहे हैं आप। मैं हूँ रचित तिवारी। कानपुर देहात के सिकंदा थाना क्षेत्र के दोहरापुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को गांव के बाहर खेतों में एक 26 वर्षीय महिला का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामे के लिए भेजा। वहीं लड़की के पिता ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप तथा पुलिस प्रशासन से की न्याय की मांग। आइए आपको सुनाते हैं लड़की के चाचा द्वारा ससुराली जनों पर लगाए गए आरोपों। क्या नाम है आपका भैया? पंखलाल। कहाँ के रहने वाले हो? जो मेहता है वो आपकी कौन है? ये भतीजा है, लड़की हमारी। क्या मामला हुआ है आज? मामला ये हुआ कि जो है लड़का कह रहा है कि जो है किसी से रंजस नहीं है मारी, तो भाई जो है लड़की मारी किसने? तो अभी तक यही नहीं पता चल पाया है कि मतलब घर वाले परिजन उनके बोल रहे हैं कि किसी से रंजस नहीं, तो मर्डर हुआ कैसे? हाँ, बस यही बात का। आइए अब आपको सुनाते हैं हत्या के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा दी गई बाइक। लॉकडाउन के बढ़ते ही कानपुर देहात की पुलिस हुई सतर्क। समस्त थाना प्रभारियों व क्षेत्राधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद किया तथा लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। इसी दौरान कुछ क्षेत्राधिकारियों ने अनाउंसमेंट भी किया तथा लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए बार बार अपील की गई। औरैया सड़क हादसे के बाद कानपुर देहात की पुलिस बिल्कुल सतर्क दिखाई दे रही है। हम पहुंचे हुए हैं इस समय कानपुर देहात की औरैया बॉर्डर के पास, जहां पर पुलिस के द्वारा बारीकी से सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिस भी गाड़ी में अधिक मजदूर बैठे दिखाई दे रहे हैं उनको उतारकर उनको बसों के द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है।